हाँ प्रणाम सर। अरे सामान तो मंगनी में लाता है, नहीं सर पैसा रहता है सर, बस इतना रद्दी सामान लाया है फेंकना पड़ेगा। खराबी है सर, एक भी सही नहीं है, एक भी नहीं, ये मंगनी में भी देने नहीं, नहीं सर सर पूछिए सर, पैसा पैसा दिए सर। हाँ तो पैसा दिए तो तुमको पैसा ज्यादा है इसलिए तुम दिया है, ये मंगनी में भी देगा तो हम नहीं लेंगे सर, हम चेंज। झारखंड में एक होमगार्ड ने अपने ही अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला जमशेदपुर जिले से सामने आया, जहां एक होमगार्ड जवान ने अपने डीएसपी पर घूसखोरी का आरोप लगाया है, जिसका ऑडियो भी होमगार्ड ने वायरल किया है। ऑडियो को होमगार्ड जवान ने तब वायरल किया जब उसको ड्यूटी के दौरान किसी सोनार से 2.5 लाख रुपए की उगाही का आरोप लगाकर अधिकारियों ने ड्यूटी से हटा दिया। पहले ये ऑडियो सुनिए। अरे सामान तो मंगनी में लाता है, नहीं सर पैसा रहता है सर, बस इतना रद्दी सामान लाया है फेंकना पड़ेगा। खराबी है सर, एक भी सही नहीं है, एक भी नहीं, ये मंगनी में भी देने नहीं, नहीं सर पूछिए सर, पैसा पैसा दिए सर। हाँ तो पैसा दिए तो तुमको पैसा ज्यादा है इसलिए तुम दिया है, ये मंगनी में भी देगा तो हम नहीं लेंगे सर, हम चेंज करवा देंगे सर, समझे ना। कस्टमर वापस ले जाएंगे सर, वो चेंज कर देंगे, दूसरा दे देंगे सर। इतना रद्दी फ्रॉड तुम, वो सर वो पेटीएम पे था सर, अंदर कैसे देखेंगे सर। अरे अंदर देखेगा कैसे, नहीं इतना अंदर शुरू में इसने खाई, ओ अरे अंदर ऊपरों में भी चला, एकदम रद्दी में भी महारद्दी, मंगनी में भी दोनों पर आदमी नहीं ले सकता है। तो सर हम सर 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 वापस देख के ला देंगे सर, हम अपने से नहीं बोले जाएंगे, यहाँ से रखा हुआ है तो अपना ले जाना और लेते आना। हाँ सर हमने इसको ऑफिस पर कुछ नहीं जाएगा, सुनो ऑफिस उसे सामान वान मत भेजो, इतना बिजी मत हो गया सर। हाँ अब जो डायरेक्ट जगह पर ले आना, अब ऑफिस पर तुम कुछ नहीं सर। मेन क्या होता है सर कि ये पुलिस टाइम में सर गिरती रहता है सर, तो पुलिस हम अपना बाइक वहाँ खड़ा करते हैं सर। अरे कहीं जैसे कि कोई भी आदमी से जो भरा करके डेरा देखिए लिए हो जी सर, समझे ना, कोई भी चीज भेजो तो ठीक भेजो, समझे ना। हम खुद सर हम वही सोचे हैं सर कि वो टाइम टेबल कोई भी टाइम है सर, हम ला देंगे सर। इतना एकदम मंगनी में मांग वाला है, बाकी में रखना टाइम एकदम रखती है ना सर, हम सब कर खुद चेंज कर देंगे सर, समझे ना सर, ले जाना यहाँ से, समझे ना, हम रख देते हैं जी सर। ठीक हम प्रणाम सर, प्रणाम। अरे फोन कैसे तो उठाता नहीं है फोन, पूजा में थे सर, पूजा कर रहे थे सर। अरे सुने ना थोड़ा सा आना ना, डेरा पर कुछ काम था, बात करेंगे सर आएंगे। हाँ समझे ना जी सर। अब सुनो ना, हमको वो गाड़ी का जोड़ पड़ेगा। कब सर? 5-7 दिन के लिए, घर जाने के लिए सर। हाँ ठीक है, लगेंगे सर। हाँ दे देंगे सर। हाँ काहे कि सर सोचते हैं घर जाना, समझे ना जी सर, तबियत खराब है, देख के आते हैं जी सर। जी सर कौन गाड़ी है तुम्हारे पास? मेरे तो स्विफ्ट डिजायर है सर। हैं स्विफ्ट डिजायर सर, ठीक गाड़ी है ना, आराम से जाए चला जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देख लीजिएगा सर। ओके सर जी सर, विजय के पास है सर 3-4 गाड़ी रखा। विजय सर है, विजय जो हम लोग का है सर, आपको साथ रहता है जो विजय। हाँ हाँ उसका सर गाड़ी सर, जो गाड़ी बोले वो गाड़ी दिला देगा सर, वो फ्री में। नहीं गाड़ी वो खरीद बिक्री का काम करता है वो। दो तीन तो गाड़ी रखा हुआ था घर में सर, उसका गाड़ी। हाँ सर छोड़ो ना, मेरा गाड़ी देख लीजिएगा सर। हैं मेरा गाड़ी देख लीजिएगा, विजय का गाड़ी छोड़ो ना, तुम्हारा गाड़ी है ना। हाँ ले लीजिए सर, सब तुम्हारा पर जितना भरोसा है हम विजय विजय पर नहीं करते हैं। ले लीजिए सर। हाँ ठीक है ना गाड़ी। हाँ सर देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, लेके आना ना तो देख लेंगे सर। ठीक प्रणाम सर। हेलो। हाँ प्रणाम सर, साहब बात के सर ज्वाइन कर लिया। हाँ सर वो परसों कर लीजिए सर। तुम फोरो नहीं किया रे सर, राजीव को फोन किया सर तो हम बता दिए सर, सर को बोल दिए ज्वाइन कर लिए। तो तुम आने वाला था, राजीव को आते हैं सर, तो राखी बनवा रहे सर, तो छुट्टी लिए सर आज। शाम आए सर, शाम को आए। हाँ शाम को आ रहे हैं, आते हैं शाम में सर। सुनना सर, तू बोला था कि अनार लेते आएंगे, अनारों नहीं लाया, तो लेते आएंगे सर शाम में सर। हाँ लेते आते सर, पेटी ले लेना, एक पेटी ले ले। हाँ पेटी ले लेंगे सर। ठीक चलिए आओ शाम में।
वायरल ऑडियो में डीएसपी द्वारा एक पेटी अनार गांव जाने के लिए गाड़ी की डिमांड होमगार्ड जवान बासुकी दुबे से किया जा रहा है। होमगार्ड ने बताया कि थाना स्तर पर ड्यूटी के लिए डीएसपी द्वारा पैसा भी लिया जाता है। गार्ड ने इस पूरे मामले की शिकायत झारखंड आईजी नवीन कुमार से की है। एक मार्च को हमको कमान मिला था और राखी दिन हमको साहब फोन किए थे कि तुम घर पे आओ और एक पेटी अनार लेते आना। और घर पे गए तो हमसे बोले कि 15,000 रुपया लगेगा, थाना का चार्ज है 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपये हम दे दिए और फिर आप दो चार दिन में फिर हमको फ़ोन किए कि हमको गांव जाना है, कार चाहिए, कार दो और घर पे आओ, तुमसे बात करना है। जब हमको बार बार फ़ोन करे, कभी पेटी में आम मांगे, तो कभी अनार मांगे, कभी मैंने मिर्चर मांगे। और कंप्लेन किए हम इस चीज़ को नवीन सर को हम कंप्लेन किए हैं और हमको भी ड्यूटी से बैठा दिया गया है। 6 महीने से हमको ड्यूटी भी नहीं दिया रहा है, ना ही कोई मैंने कोई प्रूफ है ना कुछ है, तभी हमको आरोप से बैठा दिया गया है। इस मसले पर आरोपों के घेरे में फंसे डीएसपी ने अपने सफाई देते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डीएसपी का कहना है कि ऑडियो को काट छाट कर परोसा गया है, गार्ड पर विभाग की तरफ से पहले ही भ्रष्टाचार का चार्ज लगा है। देखिए, बास्की कुमार दुबे होमगार्ड का जवान है, जमशेदपुर जिला बल का, और यह टोटल का टोटल बिल्कुल गलत और निराधार आरोप लगाया है। बास्की कुमार दुबे जब साकी थाना में चालक के रूप में प्रतिनिधि थे तो उस समय एक स्वर्ण व्यवसायी से 2.5 लाख रुपया का वसूली किए थे तथा 1.5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इस बात की नॉलेज जब वरीय पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसका जांच करवाया और जांच कराने पर यह सत्य पाया गया तथा इसका कॉल डिटेल्स निकाला गया। कॉल डिटेल्स से भी क्लियर हो गया कि इनके द्वारा ये बार बार फ़ोन करके उनको पैसे की मांग कर रहे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इनको ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है तथा इसकी सूचना मुझे दी गई कि इनको कभी भी भविष्य में इनको जिला में ड्यूटी न दिया जाए तथा इसका नाम होमगार्ड सूची से हटाने के संबंध में हटाने अग्रतर कार्रवाई किया जाए। उसी आधार पर मुख्यालय में इनके विरुद्ध इन होमगार्ड से बर्खास्तगी के बारे में लिखा गया है। जिस पर पूरे समाज की अनुशासन की जिम्मेदारी होती है, वही अगर गलत होता हो तो अनुमान लगा लेना चाहिए कि एक अधिकारी अपने कर्तव्य का किस तरह त्याग कर रहा है। जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।